पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। इसमें से ढक के रख देंगे। देखते हैं पक गया कि नहीं। दाल तो पक गई है। हम हल्दी डालते हैं, कलर देंगे। ऐसे भूनेंगे, सूख जाएगा वापस। हमारा फिर तैयार हो जाएगा। भून बन गया है। अब इसमें ये छोटी इलायची पाउडर और सूंठ पाउडर और शक्कर डाल के पीस लिया है। गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। देखिए पूरा ठंडा हो गया और पूरा क्रश कर लिया हमने इसको। इसको मिला लेते हैं। पूरन पोली तैयार है। दूध और पूरन पोली।